बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हमीदी अस्पताल पहुंचे, जहां वे रायसेन की घटना में घायल हुए बच्चों से मिले। प्रियंक कानूनगो ने घायलों के परिवारजनों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि रायसेन में आदिवासी व मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें से गंभीर घायलों को हमीदी अस्पताल रेफर किया गया था। अब दंगा हुआ भाई, रिश्तेदारों में मार पीटी तो हमारे फोन लगाए, हमारे पहुंचे। अब रिश्तेदारों मारे लोगों ने मियां ने, तो रिश्तेदारों हमारे फोन लगाए, हमारे पहुंचे, तो उनमें अब वही कारण का पता नहीं है। कौन लोग थे जिन्होंने आपको? मुस्लिम पूरा एक समुदाय था। हाँ, कितने लोग होंगे जिन्होंने? पूरा गांव है वो, तो खमरिया दस बजे रात कि रायसेन से लेके खमरिया में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसमें बच्चों को निशाना बनाया गया। बच्चे त्योहार मना रहे थे, उसके बीच में बच्चों पर हमला किया गया और कई बच्चे घायल हो। आज यहाँ पे मैंने चार बच्चों के साथ मुलाकात की है, जिसमें से एक बच्चे की सर्जरी होना है और उसके आँख के अंदर गोली लगी है। बाकी तीन बच्चों को भी गोली लगने के कारण यहाँ भर्ती किया गया है और उनके भी सर्जरी होना अभी बाकी है, लेकिन जिसकी आँख में चोट लगी है वो ज़्यादा गंभीर है। मैंने चिकित्सकों से बात की है, इस पूरे मामले पर हम निगाह बना के रखेंगे। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्यौहार मनाते हुए बच्चों पर पिशाचों की तरह कोई गोली बंदूकों से हमला कर दे और उनकी जान लेने की कोशिश करे। आयोग इस मामले में सख्ती से काम लेगा और ये इंश्योर करने का काम करेगा कि एक भी दोषी को छोड़ा ना जाए।